देखो बच्चों, एक और छोटा सा टॉपिक है रिगार्डिंग एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। अभी मैं पूरा टू क्रॉस टू के ऊपर ही फोकस करवा रहा हूँ। तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए इक्वल्स टू, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए इक्वल्स टू, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3 4, और मैंने लिखा है फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट। देखो यहां पे एक बात निकल के आ रही है कि यहां पे मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम अभी दिखाना बाकी है, बट मैं फोकस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या उससे नहीं जाना है, ये सेम थिंग, दोनों को कंपेयर करेंगे आंसर सेम आएगा। अगर इसका इनवर्स आप लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करके निकालेंगे, अभी जो नई मैटर दिखा रहा हूँ उससे निकालेंगे, दोनों सेम है, आंसर सेम है, मैटर डिफरेंट है। देखो तो मैं यहाँ पे विदाउट यूजिंग द रो या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसके लिए बच्चों टेक्निक क्या है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए, बट जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों इसकी जो कंडीशन है ना, वो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट वन इज सेम एज द एलिमेंट्री ऑपरेशन के टाइम पे मैंने दिखाया था, वो सेम चीज है। कि कंडीशन क्या निकल के आती है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इट शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर वो एक बार नॉट इक्वल्स टू जीरो है, सो वी कैन प्रोसीड कि उसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास है क्या, आप लोग समझ रहे हो ए, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, जैसे कि मेरे पास ए है मैट्रिक्स 1 2 3 4, मेकिंग द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कीपिंग द एलिमेंट इन एज इट इज पोजीशन, और उसके बाद 4 1 4 3 2 6, प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैं इसे इनवर्स एक्सिस्ट, इसका इनवर्स क्या करेगा एक्सिस्ट। अब इनवर्स निकालने के बाद मैं इसका निकाल रहा हूं एडजॉइन ऑफ ए, तो एडजॉइन ऑफ ए के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज और सेकेंडरी की साइन चेंज, तो 4 1 अप एंड डाउन, -2 -3। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। तो ये मैटर बच्चों को थोड़ी इजी रहती है, लेकिन वो लोग पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे कि कैसे जाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से या फिर डायरेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज -2, एडजॉइन ऑफ ए -2 -3 1। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि कभी कभी वो लोग बाहर रखते हैं या तो कभी डिवाइड कर देते हैं, मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं -2 1 -3/2 1/2, दिस वन इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। एक बार फिर से मैं धीरे धीरे उसको रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहीं से आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए निकाला -2 ≠ 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर मैंने इसका निकाला एडजॉइन ऑफ ए, प्रिंसिपल जो डायगोनल थे उसके एलिमेंट को इंटरचेंज किया, सेकेंडरी की साइन चेंज की, फॉर्मूला डाला डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइन है, -2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करो, वन कैन गेट द ए इनवर्स। देख लो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, वही चीज को हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो आपका रहेगा फाइंड द इनवर्स
राइट, आपके पास जो ए है मैट्रिक्स करके, वो नंबर कौन सा है? 2 - 2 = 4 - 3। देखो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 upon determinant ऑफ अ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए 2 - 2 = 4 and 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए 3 - 2 = 6 - - 4 - 8। 3 - 6 - - 4 - 8। 14 ≠ 0 इनवर्स एक्सिस्ट। अब इसके बाद मेरे को कोशिश क्या करनी है? तो एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को इंटरसेक्ट चेंज करो और सेकेंडरी की साइड चेंज। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला तो है ही, ये जो फॉर्मूला है उसी को ही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। 1 upon determinant ऑफ अ मैट्रिक्स ए 14 और एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए 3 - 2 - 4 - 2। देखो बच्चों कभी कभार ऐसा है कि ये आंसर भी आपके लिए पॉसिबल है और कभी वो लोग बैक आंसर में क्या करते हैं कि डिवाइड करके लिखते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि इसको 14 से डिवाइड करके लिखो, तो 14 से डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 3/14 2/14 दैट इज 1/7 -2/7 दिस इज 1/7। तो दिया ये जो आंसर है वो भी पॉसिबल है। अगर मैं ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूं एक बार फिर से, 1 upon A इंटू एडजॉइन ऑफ 1 upon determinant ऑफ ए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स। वेरी इजी, जो नंबर था उसके लिए पहले सर ने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू ≠ 0 इनवर्स एग्जिस्ट। ए का एडजॉइन ऑफ ए निकाला, वापिस फॉर्मूला लिखिए वैल्यू डाल के। ये भी ऐसा हो सकता है या तो डिवाइड करके ये रिजल्ट मिल सकता है। देख लो देखो, ये एक मिनट, ये जो था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5th, और उसका कौन सा था? 1st था। अब मैं जाऊंगा वो 5th का कौन सा जाऊंगा? 2nd। ये जो क्वेश्चन था वो 5th का कौन सा था? 1st था। अब मैं एनसीईआरटी 3.4 एक्सरसाइज एक बार देख लो, ये जो क्वेश्चन था वो 3.4 का कौन सा था? 1st था, 5th का 1st था। और पहले जो मैंने दिखाया था वो एग्जांपल, सो मैंने ऐसे लिख के आपको एक्सप्लेन किया था। 4.5 उसका 5th का 1st है और इसके पहले जो दिखाया था वो क्या था बच्चों? मतलब एक रैंडम मैंने एग्जांपल दिया था। अब मैं जा रहा हूं, कैन आई रब दिस वन, अब मैं जा रहा हूं फाइंड द इनवर्स, लेकिन 4.5 मेन 5th का कौन सा होगा? 2nd, मेन 5th का 2nd। तो 2nd का जो क्वेश्चन है वो a इक्वल्स टू -1 - 5 - 3 - 2। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स -5 - 3 - 2। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है -2 + 15 = 13 ≠ 0 मैं इसे इनवर्स एक्सिस्ट। अब एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स है उसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों को इंटरचेंज, 2 - 1 साइन चेंज सेकेंडरी के। प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज और सेकेंडरी जो दिख रहा है उसको क्या करना है? साइन चेंज। तो प्लस से माइनस और माइनस 3 से प्लस 3। अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो आपका फॉर्मूला 1 upon determinant ऑफ अ मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, 1 upon ये वैल्यू कितनी है? 13।
और एडजॉइन ऑफ ए आपका निकल के क्या आ रहा है, 2 - 5, 3 - 1। समटाइम ये भी आंसर पॉसिबल है, या तो 13 से डिवाइड करके लिखा जाएगा, 2 by 13 - 5 by 13, 3 by 13 - 1 by 13। दिस विल कंप्लीट योर आंसर। देख लो,